हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड आज कंप्लीट कवर हो जाएगी हमारी। अगर आपने अभी तक यूनिट सेकंड मतलब आज से पहले के एक भी लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो आप रेगुलर अटेंड कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ चलिए। आशा करता हूँ अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको सारे जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं पिछले यूनिट में वो कवर होंगे और आगे वाले अच्छे से समझ में आएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। शेयर तो कर ही सकते हैं आप, शेयर कर दीजिए पहले फिर स्टार्ट करते हैं अपन। तो कर दिया होगा शेयर आपने अभी तक। चलो करते हैं स्टार्ट इसको। आज का टॉपिक है हमारा सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, पिछले पार्ट में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स यूज इन द लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो हमने एक टॉपिक फर्स्ट स्टडी किया था इसमें सोलवेंसी और को सोलवेंसी। तो उसमें क्या था लिखा हुआ था कि जो सोल मतलब ऐसे सबस्टेंस जो प्रॉपरली डिजोल्व नहीं हो पाते हैं और स्लोली डिजोल्व होते हैं, वीकली सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? सोल्यूबलाइजिंग एजेंट बेसिकली यूज करते हैं और सोल्यूबलाइजिंग टेक्निक हम यूज करते हैं। तो वही है ये टॉपिक, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी यूज की जाती हैं जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उनको सोल्यूबल करने के लिए। तो सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक इन लिक्विड फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन सम टाइम एक्टिव ड्रग, क्या कुछ टाइम क्या होता है एक्टिव ड्रग या तो स्लोली सोल्यूबल होगी, धीरे धीरे सोल्यूबल होगी या फिर इनसोल्यूबल होगी। तो स्लो पुअरली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन डिजायर्ड सॉल्वेंट कुड नॉट बी एबल टू अचीव द रिक्वायर्ड, जितनी कंसेंट्रेशन की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी कंसेंट्रेशन हमें सोल्यूशन से नहीं मिल पाएगी, मतलब अटेंड नहीं हो पाएगी क्योंकि वो प्रॉपरली सोल्यूबल नहीं हो रहा है। अचीव द रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन इन सच केस, अब इस केस को अब ये तो है नहीं कि अब ऐसे कैसे उसको छोड़ देंगे कंसेंट्रेशन अचीव नहीं है तो सॉरी तो उसको अचीव तो हमें करना ही है, तो उसको ओवरकम करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे। इन सच केस इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल इन द सॉल्वेंट बाय ए सूटेबल टेक्निक्स। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हम देखेंगे बट उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि हम इसको डिटेल में स्टडी करें। डिफरेंट टेक्निक, और एक बात कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सर डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इसको तो आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं जिससे आपको और भी डीप नॉलेज मिल सके। बस ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब इतना इनफ है। तो फर्स्ट इसमें थ्री टाइप हैं बेसिकली, फिजिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन और अदर मेथड्स। तो जो फिजिकल मॉडिफिकेशन है उसमें है डिफरेंट डिफरेंट, फर्स्ट है पार्टिकल साइज रिडक्शन। पार्टिकल साइज रिडक्शन में क्या होगा, अगर लार्ज पार्टिकल है तो उसको उसकी पार्टिकल साइज को कम कर देंगे जिससे क्या होगा वो इजीली डिजोल्व होगा। नैनो सस्पेंशन, जो नैनो पार्टिकल के फॉर्म में सस्पेंशन बनाते हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट, जो क्रिस्टल हैबिट होती पार्टिकल्स की उसको चेंज करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, पॉलीमॉर्फ और स्यूडो पॉलीमॉर्फ इसके अंदर बेसिकली यूज करेंगे। सी है ड्रग डिस्पर्जन इन कैरियर, मतलब कैरियर के थ्रू उसको डिजोल्व करवाएंगे। एटियोटिक मिक्सचर का इसके अंदर बेसिकली यूज होगा, सॉलिड सॉल्यूशंस का इसके अंदर बेसिकली यूज होगा। आगे देखिए कॉम्प्लेक्सेशन टेक्निक, कॉम्प्लेक्सेशन हम पढ़ेंगे एनालिसिस में। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं उनका यूज बेसिकली इसके अंदर किया जाता है। लास्ट है इसके अंदर सोल्यूबलाइजेशन बाय सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का यूज करके जो भी सॉल्यूशन है जो पार्टिकल्स हैं उनको डिजोल्व किया जाएगा। इसमें माइक्रो इमल्शंस का बेसिकली यूज किया जाएगा, माइक्रो इमल्शन टेक्निक जो होती है। आगे आ जाते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन, क्या क्या केमिकल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर जिससे जो भी सॉल्यूशन है वो सोल्यूबल हो जाए। फर्स्ट है इसकी पीएच में चेंज करेंगे, यूज ऑफ बफर, आप अगर बगैर बफर यूज करेंगे तो जो उसकी पीएच है वो मेंटेन रहेगी, वो पहले हमने आपको बताया है। डेरिवेटाइजेशन करेंगे इसके अंदर। लास्ट में है अदर मेथड, अदर मेथड में यूज करेंगे कोक्रिस्टलाइजेशन,
कोसोल्वेंसी, हाइड्रोट्रोफी यूजिंग सोल्यूबल प्रोडक्ट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो बेसिकली हमारे यूज किए जाते हैं, सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स हैं, लिक्विड ओजेस्मो में बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हमने देखा इसमें लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म में फर्स्ट स्टडी किया था हमने जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन उसके अपन जो एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हमारा लास्ट लेक्चर था जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स उनके बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट टैड, इसमें स्टडी करेंगे जो लिक्विड डोजेज फॉर्म का ही पार्ट, सेकंड जो पार्ट है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसमें हमने स्टडी उसमें देखा था इमल्सन और सस्पेंशन। सस्पेंशन बेसिकली इंटरनल यूज के लिए होते हैं और इमल्सन एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। तो सस्पेंशन और इमल्सन के बारे में नेक्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है तो वो स्टडी करेंगे। बस बने रहिए, आप हमारे साथ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है, दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।